किसी भी यूएफसी के कार्ड से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है वो इसलिए रखी जाती है कि जो ओड मेकर्स हैं, जो फाइट फैंस हैं और जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं और जो इवन फाइट करने वाले आपस में फाइटर्स हैं वो जान सके कि किस तरीके की मेंटल स्टेट चल रही है, फिजिकल जो है किस तरीके का बॉडी उनका है, और सारे के सारे मेंटल गेम्स खेलने की कोशिश भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आज तक की यूएफसी की हिस्ट्री में की गई है। ऐसा ही कुछ हमें यूएफसी 305 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को मिला, कुछ अनयूजबल, और वो क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजराइल अडेसानिया को ड्रिकस डुप्लेसी के एक छोटे से हीटेड आर्ग्यूमेंट ने रुला दिया। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनका पर्सनल मैटर है, क्या हो गया जो है वहां पर, उनके आंसू निकल गए तो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कभी हबीब को रोते हुए देखा है इस तरीके से, वो भी एक छोटी सी बात पे। अब एक चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इजराइल अडेसानिया की अगर आप पर्सनल लाइफ को देखें तो उनकी गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो चुका है। वो एलेक्स परेरा से जो है एक फाइट पहले हार गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से एक फाइट जीते, उसके बाद वो फिर से हार गए, किससे, स्ट्रिकलैंड से, और उनके करियर में उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ऐसे में मुझे जहां तक लगा वो साफ ये लगा कि ड्रिकस डुप्लेसी ने एक सिंपल सा सवाल ये किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब से तुम बड़े हुए हो, गोल्डन स्पून के साथ बड़े पले बड़े हो, यानी कि बेशक आप नाइजीरिया से मूव आउट कर गए लेकिन आपके पास पूरी सुख सुविधाएं रही हैं, यानी कि आपको ब्रश भी आपके जो है नौकर करवाते थे, यानी कि घर पर बचपन से ही नौकर चाकर रहते थे इजराइल अडेसानिया की सेवा पानी करने के लिए, तो किस तरीके की टफ लाइफ, ये बात ड्रिकस डुप्लेसी ने कही। और इतना सुनते ही जो है इजराइल अडेसानिया रोने लगे। अब बात इस वीडियो के अंदर मेरा लेना देना इससे नहीं है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा जो लेना देना है एज ए फाइट एनालिसिस करने वाला, मेरा जो माइंड कहता है वो ये कहता है कि यार एक फाइटर को इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है, और इजराइल अडेसानिया जो जीतते रहे हैं अपने करियर में वो इसलिए जीतते रहे कि उनके जो अपोनेंट हैं वो इमोशनल होकर फाइट करते थे अडेसानिया से। लेकिन ड्रिकस डुप्लेसी ने तो यहाँ पर एक मिनट में हालात, जज्बात सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि जो पोलो कोस्टा था वो भी गुस्से में लड़ा अडेसानिया से। इवन रॉबर्ट विटेकर को हराकर जब ये चैंपियन बने तो रॉबर्ट विटेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। इवन इजराइल अडेसानिया को आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है, कभी नहीं देखा होगा, वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं अपने साथ, एक उनका एक अलग करिश्मा होता है, इसलिए हम उन्हें स्टाइल बेंडर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग इजराइल अडेसानिया दिखाई दिए, यहाँ पर एक इमोशनल इजराइल अडेसानिया में दिखाई दिए। अब जो कैजुअल फाइट फैंस होंगे उनको लग रहा होगा कि यार बेटे मजा आ गया, इजराइल अडेसानिया को गुस्सा आ गया, अब तो ये DDP की चटनी बना देगा। ये जो है ना, ये कैजुअल फाइट फैन या WWE देखने वाले जो है फैंस की सोच होगी, लेकिन जो एक जेन्युइन फाइट एनालिसिस रखने वाला माइंड रखता है, जो जेन्युइन UFC का फैन है, उसे साफ ये पता है कि यार इमोशनल स्टेबिलिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग और फिजिकल कंडीशनिंग दोनों जरूरी है। 90% मेंटल गेम है, 10% फिजिकल है। या आप किसी भी जो सक्सेसफुल फाइटर है उससे आप पूछ के देखें, या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का अगर आपको पता है तो इस चीज से आप एग्री करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो यहां पर मुझे जो इजराइल अडेसानिया इमोशनल लगे, ये चीज मुझे बैकफायर करती हुई लगी। और जब आदमी थोड़ा सा जो है इमोशनल जो है ट्रोमा में चल रहा हो, या बहुत टाइम से डिप्रेशन में चल रहा हो, तो डिप्रेशन जैसे पानी भरा हो किसी बंद चीज में और थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो पानी बाहर आने की कोशिश करता है ना, वैसे ही दर्द बाहर आने की कोशिश करता है। ऐसे ही कोई थोड़ी बहुत बात हुई और इजराइल अडेसानिया का जो दर्द था दबा हुआ वो बाहर आने लगा और वो रोने लगे। इट इज नॉट ए बैड थिंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बट सिनेरियो देखा जाता है, सिचुएशन की टेंशन देखी जाती है। जॉन एनिक के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रखी थी। ड्रिकस डुप्लेसी तो मन में ही सोच रहे थे आई वॉन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक चीज मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ड्रिकस डुप्लेसी वॉन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ऐसा काम किया जो इजराइल अडेसानिया के प्रीवियस अपोनेंट नहीं कर पाए। ही मेड इजराइल अडेसानिया क्राई, एंड इट इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड एडवांटेज फॉर DDP, एंड आई कैन से दैट इजराइल अडेसानिया लॉस्ट टू DDP इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप इससे एग्री करते हो या नहीं, और जो जो बातें मैंने बोली उससे इत्तिफाक रखते हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और यार अपने भाई को प्यार दिखाओ,
लाइक करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, ख्याल रखो।